आप में से बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जो अभी तक मदर बन चुकी हैं या आने वाले टाइम में मदर बनने वाली हैं, और बहुत सी बातें आपको आज से ही सुनने को मिलती होंगी कि नॉर्मल डिलीवरी यार इस तरह से हो सकती है, उस तरह से हो सकती है, या आप ये करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर आप ये नहीं करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मिथ्स जो कि नॉर्मल डिलीवरी को लेकर है। सो आज की वीडियो भी आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मिथ नंबर वन कि अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं और अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि यार जनरली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और रिसेंटली मेरा एक क्यूट सा बेबी हुआ है। लेकिन जनरली अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, मैंने झाड़ू पोछा कभी भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और विद इन 6 आवर्स मेरा बेबी डिलीवर हो गया था। तो जनरली अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप झाड़ू पोछा करते हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अगर आप मतलब बैठ के पोछा लगाते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी थी ही नहीं, क्योंकि मेरी यार वर्क शेड्यूल ही मेरा ऐसा होता था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती थी, और आके क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ही रहते हैं, अकेले रहते हैं इन द सेंस, तो उस केस में क्या होता है हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम फिजिकल वर्कआउट कर पाए, या मैं कह सकूँ कि हम मैं झाड़ू पोछा लगाऊँ या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो पाए, तो जनरली मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, इस वजह से मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी की नहीं। लेकिन उसके बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। सो बॉडी टू बॉडी ये सिस्टम वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि आपकी डिलीवरी किस टाइप की होगी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हेल्दी है तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको सी सेक्शन के थ्रू ही बेबी डिलीवर करना पड़े। वो डिपेंड करता है आपकी अदर कंडीशंस के ऊपर। लेकिन हाँ, ये एक सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं लेकिन उस केस में भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। मिथ नंबर टू, कई सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको प्रोटीन, वाइटामिन वगैरह, या आप कह सकते हो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन खाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हेल्दी हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एट द मंथ ऑफ, मतलब जब मेरा एंड मंथ था 9th मंथ, उसमें मैंने आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन तीनों चीज़ें ली, लेकिन 6 मंथ से मैंने कोई भी आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही मैं आयरन का अपटेक करती थी मुझे साथ ही वॉमिट आ जाती थी, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो जाता था, और जो प्रोटीन है वो तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इस केस में डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड जरूर किया था लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, और उसके बाद भी मेरा बेबी बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। 3.2 kg का मेरा बेबी था, और आफ्टर दैट मेरी बॉडी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ऐसे मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा मैं वीक फील करती हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मेरी बॉडी भी बिल्कुल नॉर्मल फील करती है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ ही आप कह सकते हो। हाँ, बॉडी के अकॉर्डिंग हो सकता है, कईयों की बॉडी को आयरन, कैल्शियम वगैरह की नीड ज़्यादा होती है, तो आपको अपने डॉक्टर की बात डेफिनेटली सुननी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल नहीं है कि अगर बाई चांस आप अपटेक नहीं कर पाए तो आप ये सोचो कि यार अब तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाई चांस आपसे ये चीज़ें मिस भी हो जाती हैं तो भी अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका बेबी हेल्दी ही होगा। मिथ नंबर थ्री, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आपको बहुत सारा घी खाने की ज़रूरत होती है, इससे आपका बेबी भी हेल्दी होगा, और आप बोलते हैं ना बच्चा बहुत इजीली फिसल जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ सच नहीं है, क्योंकि यार घी एक लिमिटेड एडिक्वेट अमाउंट में खाना ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में खाओगे तो वो भी आपकी बॉडी में सिर्फ फैट कॉज ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सो आप ये भी बिल्कुल ना करें कि बहुत ज़्यादा घी खाना शुरू कर दें, ये भी एट द एंड आपको डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में स्टोर कर देगा, जो कि आपको रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो जो भी आप चीज़ें खाएं, हेल्दी खाएं और लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं। मिथ नंबर फोर कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उस केस में आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, लेकिन अगर आप अपनी प्रिकॉशन से आप कह सकते हो ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्योंकि मेरी जनरली फील्ड जॉब थी तो मुझे डेली ट्रैवल करना ही पड़ता था
लेकिन हाँ प्रिकॉशन लेके मैं ट्रैवल करती थी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप स्पीड में चल रहे हो, लेकिन ये भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हेल्दी हो तो आपको बिल्कुल घर पे बैठ जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, आप कहीं भी इंजॉय करना चाहते हो वहाँ भी आप जा सकते हो, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट मिथ कि हमें 8 मंथ्स में ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए या हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 9 मंथ्स तक अपनी जॉब कंटिन्यू की है, वो भी फील्ड जॉब, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सो जनरली मैं कह सकती हूँ कि अगर आपकी बॉडी ठीक है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आप थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हो अच्छे से अपनी प्रिकॉशन रख के। और अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपको लगता है यार आपकी बॉडी में वीकनेस है, तो उस केस में आपको रेस्ट भी करना चाहिए। मतलब कि आप अपनी बॉडी की सुनो, ना कि लोगों की, क्योंकि लोगों के बहुत सारे ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को ही दुखी करेंगे। सो जनरली अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं बाहर जाने में, तो आप डेफिनेटली जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो आप रेस्ट कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 8 मंथ्स में आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी फिजिकल कंडीशन के ऊपर या आपकी मेडिकल टर्म्स के ऊपर कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं, उस केस में ही आपको रेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं भी जा सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्लियर हो गया हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली आपकी बॉडी की कंडीशन किस टाइप की है या आपकी मेडिकल कंडीशन किस टाइप की है, इसका इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।